हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर इंडियन इन्फॉर्मर में। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी यूट्यूब की सर्च हिस्टोरी एंड वॉच हिस्टोरी को डिलीट कैसे करें। तो उसके डिलीट करने के लिए आपको सिंपली सा यूट्यूब को ओपन करना है। यूट्यूब को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर कोने में सर्च वाला आइकन दिख रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी आपने सर्च किया है वो सब कुछ दिखाई देगा। दोस्तों, अब इसको डिलीट कैसे करेंगे, तो उसको डिलीट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप उसको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करें, उसके ऊपर टच करके लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का रिमूव का ऑप्शन आएगा। तो आप रिमूव पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे कोने में आपको यह लाइब्रेरी दिखाई देगा या फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपके आईडी का लोगो दिखाई देगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आएगा। दोस्तों, अगर आपके नीचे में लाइब्रेरी दिखाई दे रहा होगा तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर नहीं आएगा। उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, जो उस वीडियो को आप देख लेना। दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, ये अगर आपको ये पेज आपको दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर सीच अकाउंट दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी आईडी आपकी यूट्यूब से लॉगिन होगी वो सारी आईडी यहाँ पर दिखाई देगी। तो दोस्तों, उस आईडी को हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो आईडी के ज़रिए से हम यहाँ पर YouTube को देखते हैं, YouTube में वीडियो देखते हैं, YouTube में सर्च करते हैं। हमारा ये राइट वाला आइकन है, उसी के ज़रिए से हम YouTube को यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा व्यू ऑल, तो उसके ऊपर आपको व्यू ऑल पर आपको क्लिक करना है। व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा, यानी आपने जितने वीडियो देखे होंगे सारे वीडियो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई देंगे। अब उसको डिलीट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप उसके ऊपर टच करके इस तरह साइड में ले जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो दोस्तों इस तरह का डिलीट का आइकन आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि अभी आप थ्री डॉट दिखाई दे रहे हो, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा रिमूव फ्रॉम वॉच स्टोरी, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, सिंपली सा आपको यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के सारे ऑप्शन शो करेंगे। दोस्तों, अगर आप सारी चीज़ें एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लियर ऑल वॉच स्टोरी, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह आप फिर यहाँ पर आपको फिर से पूछेगा क्लियर वॉच स्टोरी, तो आपको क्लियर वॉच स्टोरी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएगी। दिस लिस्ट हैज़ नो वीडियो, यानी अब इस आईडी में हमें कोई वीडियो बाकी नहीं रहा, सब कुछ डिलीट हो चुका। दोस्तों, अब सर्च वाली जो चीज़ थी कि सर्च हमारे सर्च फील्ड के अंदर ये सब कुछ पड़ा है, इसको सब चीज़ों को एक साथ कैसे डिलीट करें, तो इसको डिलीट करने के लिए आपको सिंपली सा क्या करना है, आपको इस पेज पर आ जाना है। यहाँ पर ऊपर कोने में आपको सेटिंग वाला आइकन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैनेज ऑल हिस्टोरी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। आईडी सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर दोस्तों आप क्रोम ब्राउज़र में चले जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो डिलीट वाला आइकन दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको तीन चीज़ें दिखाई देगी, डिलीट टूडे, डिलीट कस्टम रेंज और डिलीट ऑल टाइम। डिलीट टुडे पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आज जो चीज़ें, जो वीडियो आपने देखी है, आज जो चीज़ें आपने सर्च की है वो सारी डिलीट हो जाएगी। और डिलीट कस्टम रेंज पर आप क्लिक करेंगे, इसके यानी आप इस डेट से लेकर इस डेट तक के 1 से 5 तारीख तक की जो वीडियो मैंने देखी वो सारी जो चीज़ें मैंने सर्च की है 1 से 5 तारीख तक, वो सारी डिलीट करनी है, या फिर तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आफ्टर और बिफोर आएगा, तो आपको डेट सर्च करनी पड़ेगी, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों, तीसरा दिखाई देगा डिलीट ऑल टाइम, डिलीट ऑल टाइम पर हम क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें एक साथ डिलीट हो जाएगी। देखो, हम दोस्तों डिलीट ऑल टाइम पर क्लिक कर रहे हैं, अब यहाँ पर हमसे फिर से पूछेगा डिलीट, तो हम डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी डिलीट हो जाएगी। अब ओके पर क्लिक कर लेना है, ओके पर क्लिक कर लेंगे तो दोस्तों अब हमारे सामने कोई चीज़ हमारी बाकी नहीं रहेगी। दोस्तों, नो एक्टिविटी दिखाई दे रहा है। अब आपको सिंपली सा क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अपने YouTube को निकाल देना है। YouTube को निकालने के बाद फिर से आप YouTube को ओपन करके देखते हैं कि हमारी चीज़ डिलीट हुई है कि नहीं हुई। अब हम सर्च वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, अब दोस्तों देखो हमारी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। हम वॉच स्टोरी वीडियो वॉच जो देखे हमने वो दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पर व्यू पर क्लिक करते हैं तो क्या करता है, सर्च वॉच स्टोरी में कोई भी नहीं है। तो दोस्तों,
हमारी सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।